प्रिंस मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड रेलवे रोड सरहंद में सबका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं पिन राउटर मशीन। इसका जो मेन स्पिंडल है वो सीएनसी मशीन का ही स्पिंडल लगाया गया है। इसमें 3.5 किलोवाट का ये स्पिंडल है। 3 फेज और सिंगल फेज दोनों तरह से हम इसको चला सकते हैं, लेकिन ये जो मशीन इस वक्त रेडी है इसमें जो कनेक्शन है वो 3 फेज है। ये ER20 का स्पिंडल है और इसमें 4 अलग अलग साइज़ के कॉलेट इसके साथ होते हैं। जैसे ये वाला कॉलेट है, ये 12 mm का है, मशीन के अंदर जो लगा हुआ है 5 mm है। तो 4 अलग अलग साइजों के कॉलेट मशीन के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। स्पिंडल की जो अप डाउन मूवमेंट है वो LM गाइडवेज के ऊपर दी गई है। तो इस मशीन में ये जो स्पिंडल है ये भी ऊपर नीचे चलता है, और जो ये पूरी स्लाइड है नीचे वाली इसको भी व्हील के मदद से हेल्प से ऊपर नीचे किया जा सकता है। ये जो पूरी स्लाइड है इसकी अप डाउन जो मूवमेंट है वो भी LM गाइडवेज के ऊपर ही गाइड की गई है। इसमें भी दोनों तरफ LM गाइडवेज लगाए गए हैं और इस व्हील की हेल्प से पूरे टेबल को ऊपर नीचे किया जा सकता है एज पर योर जॉब। ये इसका इलेक्ट्रिक पैनल है। ये जो स्पिंडल है ये 2-स्पीड स्पिंडल है। ये इसकी ऑन ऑफ स्विच है और ये इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, मतलब 2 स्पीड है, 18,000 और 9,000, 2 स्पीड के ऊपर हम स्पिंडल को चला सकते हैं। ये इसका इमरजेंसी स्टॉप स्विच है। LM गाइडवेज को लुब्रिकेशन देने के लिए ये सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम लगाया गया है। ये ग्रीन स्विच दबाने से ये स्पिंडल अब चल गया है। अभी जो इसके RPM है वो 9,000 है, 9,000 RPM के ऊपर ही अभी ये चल रहा है। अगर आपने इसके RPM 18,000 करने हैं, मतलब अगर आपने थोड़े कम डायमीटर का टूल चलाना है तो ज़्यादा RPM की ज़रूरत है, अगर थोड़ा बड़ा टूल चलाना है तो कम RPM की ज़रूरत है। तो अगर आपने इसको 18,000 RPM के ऊपर चलाना है तो इस स्विच को आप रोटेट करोगे और इसके जो RPM है वो 18,000 हो गए। इस फुट स्विच की हेल्प से इसकी अप डाउन मूवमेंट की जाती है। तो जैसे ही मैं फुट स्विच को पैर से दबा रहा हूँ तो ये पूरी स्लाइड अब नीचे आ रही है। जैसे इसको छोड़ूंगा तो ऊपर चली जाएगी, दबाने से नीचे आएगी और छोड़ने से ऊपर जाएगी, लेकिन ये लॉक हो जाएगी। जैसे अभी हमने काम करना है इस पोजिशन के ऊपर तो ये नीचे ही रुकी रहेगी, क्योंकि जो इसका जो फुट स्विच है उसके अंदर एक अलग से लॉक दिया गया है, वो ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने फुट स्विच को प्रेस किया पैर से तो अपने आप यहाँ से ये लॉक हो गया नीचे आके। तो जब हम पैर से ही अगर इसी स्विच को हम थोड़ा सा आगे को पुश कर देंगे तब ये अपना ऊपर उठ जाएगा, लेकिन जब इसको हम ऐसे नीचे दबाएंगे तो ये अपने आप, इसने इसको लॉक कर दिया, अब ये स्विच नीचे ही रुक गया है और जो स्लाइड है ये भी नीचे रुक गई है। लेकिन अगर हमने इसको ऊपर उठाना है तो इस स्विच को हम पैर से ही ऐसे थोड़ा सा जैसे ही आगे करेंगे तो ये अपने ऊपर चला गया। इस व्हील को घुमाने से अब ये पूरी की पूरी स्लाइड ऊपर जा रही है और रिवर्स घुमाने से पूरी की पूरी स्लाइड नीचे आ रही है। डेप्थ कंट्रोल के लिए इसमें ये 4 अलग अलग सेटिंग दी गई हैं। जैसे इस वक्त ये सबसे अंदर है तो अभी जो स्लाइड है जैसे हम फुट स्विच को दबाएंगे तो ये चीज़ यहाँ आके टच हो जाएगी और यहीं पर रुक जाएगी। अगर आपने इसकी डेप्थ और कम करनी है तो इसको ऐसे घुमा देना है, और कम करनी है तो इसको घुमा देना है, और ज़्यादा कम करनी है तो इसको घुमा देना है। जैसे ही फुट स्विच दबा रहे हैं ये स्लाइड नीचे आ रही है। ये देखो ये इसके साथ अगर टच हो गई है पर उससे ज़्यादा नीचे अब ये नहीं जाएगी। इस मशीन को पिन राउटर इसलिए बोलते हैं कि ये वाला जो चीज़ है ये इसकी एक पिन लगी होती है। जो भी आपने जॉब बनाना है, जिस तरह का जॉब बनाना है उस तरह का आपने एक मास्टरपीस अपने जॉब के नीचे बना के लगा लेना है
और वो जो मास्टर पीस है वो इस पिन के अंदर गाइड होएगा। ये पिन भी अलग अलग डायमीटर में मशीन के साथ प्रोवाइड की जाती है, जैसे ये अभी 10 mm की है, इससे कम और इस 12 mm की मिलेगी, 8 mm की मिलेगी, इसके साथ होते हैं पिन्स। तो जो आपका मास्टर पीस है वो इस पिन में गाइड होएगा और ऊपर आपका जो जॉब है वो जो शेप आपके मास्टर पीस की है सेम शेप का जॉब ऊपर बन जाएगा। और अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट ही काम लेना है तो उसके लिए ये स्ट्रेट गाइड साथ में दी गई है, तो फिर इस पिन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्ट्रेट काम करना है तो ये फिर पिन साथ में प्रोवाइड की ही गई है। तो ये सब मशीनें ऑन ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारी फैक्ट्री प्रिंस मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड रेलवे रोड सरहंद में है। तो ऐसे और यूज़फुल वुड वर्किंग के वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।